भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आखिरी टेस्ट 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। इस टेस्ट सीरीज के बाद पंत का भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वह लंबे समय के लिए खेल से दूर हो गए थे। हालांकि आईपीएल 2024 से उन्होंने फिर से खेल में वापसी की और कमाल का प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्हें सीधा भारत की वर्ल्ड कप T20 टीम में जगह मिली, जहां उन्होंने टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप का खिताब उठाया। इसके बाद पंत ने श्रीलंका दौरे पर वनडे मैच में भी हिस्सा लिया। वहीं अब बारी आती है टेस्ट की। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बता दें कि अगले महीने यानी सितंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसका आगाज 19 सितंबर से होगा। इस सीरीज की मेजबानी भारत ही कर रहा है। इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि ऋषभ पंत भारत के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे। अब सवाल है कि अगर पंत टेस्ट टीम में जगह बनाते हैं और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होते हैं तो वह किसकी जगह लेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि पंत प्लेइंग 11 में किसकी जगह ले सकते हैं। इस साल के शुरुआत में इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया था, जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली गई थी। इस सीरीज में भारत के लिए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने डेब्यू किया और अपने खेल से सबको प्रभावित किया। जुरेल ने इस सीरीज में कुल 3 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 63 की एवरेज से 190 रन ठोके। उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी देखने को मिला। जुरेल ने अपनी विकेट कीपिंग से भी सबको इम्प्रेस किया, लेकिन अब पंत के वापसी आने से उनकी जगह प्लेइंग 11 से जा सकती है। हालांकि ऋषभ पर भी अच्छा परफॉर्म करने का दबाव होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ मुकाबलों में परफॉर्म नहीं किया तो उनकी जगह वापसी ध्रुव जुरेल को मौका दिया जा सकता है। 26 साल के ऋषभ पंत ने अब तक भारत के लिए कुल 33 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 56 पारियों में 43 की एवरेज से 2,271 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 11 अर्धशतक टेस्ट में देखने को मिले हैं। अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत ने अब तक सबसे ज़्यादा खुद को साबित टेस्ट क्रिकेट में किया है। उनके अटैकिंग खेल ने उनकी एक अलग पहचान बनाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और क्रिकेट की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ। मैं राहिल सैयद आपसे विदा लेता हूँ।